बजरंग पुनिया परेशान है जी। हाँ, ये बात सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी कि आखिर बजरंग पुनिया परेशान क्यों हैं। देश का जाना माना पहलवान जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो परेशान है। और उनकी परेशानी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। तभी बजरंग पुनिया को फेसबुक लाइव पर आना पड़ता है और अपने तमाम फैंस को अपनी परेशानी बताई उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए। तो आप भी जानिए कि आखिर आपका चहेता पहलवान परेशान क्यों है। भाई सारे भैया राम राम। बड़े दुखी हो गए भाई, वाहे हैं, कोई घना परेशान कर रहा है भाई। ये आह, ये दर्द, ये तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो चली थी, तब जाकर बजरंग सामने आए, दुख बयां किया, दर्द की इंतहा बताई, कहा भाई परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। कोई बजरंग नाम तो आईडी बना रहा है और लोगों ने खूब पागल बना रहा है। तो एक बार मगा भैया तो लाइव कह दे, कह तो कई बल्ली फेसबुक पे भी घेर ली दो तीन बार भाई कि मेरी कोई आईडी नहीं है, मेरी आईडी यह है, एक फेसबुक पर आईडी है। ऐसा वाक्य आए दिन होता है, लेकिन आम लोगों के साथ पहलवान की तरफ नजर उठाने के लोगों की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पहलवान देश की जान होते हैं, देश का मान होते हैं, देश की मिट्टी की पहचान होते हैं। भैया तो लाइव कह दे, कह तो कई बल्ली फेसबुक पे भी घेर ली दो तीन बार भाई कि मेरी कोई आईडी नहीं है, मेरी आईडी यह है, एक फेसबुक पर आईडी है, यो पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम भी एक कह जी ब्लू टिक लग रहा है और ट्विटर भी ब्लू टिक वाला है, फिर भी लोग समझ नहीं रहे इस बात ने। फिर उन गला जब उन चेप जे हैं फिर वे न्यू कह बोले बजरंग भाई न्यू धोखा कर दिया आपका नाम लेकर। तो भाई मैं इस मारे में एक बार भैया तो बता दूं। बजरंग फेसबुक पर लाइव आए अपने लिए नहीं बल्कि अपने फैंस के लिए और ये बताने के लिए कि भाई कोई धोखा ना खा जाए, और बताने आए कि नहीं है उनका कोई बिजनेस न किसी और चीज का। बताने आए कि समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा उनकी फेसबुक की फेक आईडी का मालिक। मैं इस मारे भाई एक बार मगा एक बार भैया तो लाइव आकर बता दूं हूं, क्योंकि कोई कई आईडी बना रखी भाई मेरे नाम ते, और मैंने दो तीन बार फेसबुक को पहला भी घेरी थी कि भाई ये फेक आईडी है सारी। तो लोग समझ नहीं रहे इस बात ना भाई, लेकिन मगा एक बार एक लाइव आकर बता दूं हूं, फिर कोई देखेगा, फिर कोई धोखा खागा, फिर वो मेरे तना कहेगा भाई तना बताई नहीं थी। अरे भाई जो बना रहा उसते भी मैंने कई बार कह लिया, अब भाई बंद कर दे इसने, क्यों लोग धोखा दे रहा है। फिर वे जाग लोग हम बजरंग की टीम तय हैं। तो भाई मेरा कोई भी सा सप्लीमेंट का काम नहीं, मैं अपनी पहलवानी करूँ हूँ, मेरा कोई काम नहीं है सप्लीमेंट का, कोई भी काम नहीं है मेरा, मैं अपनी पहलवानी करूँ हूँ, कोई सा काम नहीं है भाई। अगर कोई काम होगा तो मैं पर सोशल मीडिया पर तो घेरता भाई, इतनी तो लोगों ने समझ होनी चाहिए यार, सब सोशल मीडिया पर है, एक्टिव रहे हैं, तो लोगों ने इन चीज़ों का तो पता होना चाहिए भाई। बजरंग ने फैंस के लिए चिंता जताई और दिखाया भी कि आखिर कौन है वो जो संभाले नहीं संभल रहा, मानने पर भी नहीं मान रहा। ले भाई मैं दिखाऊं हूं जो आईडी बना रखी है, ठीक है ना। एक तो ये भाई कोई ऑफिशियल बजरंग पुनिया मैंक दैया के नाम तय है, जो लोग सप्लीमेंट दे है। अब भाई यो सप्लीमेंट थारा वजन बुद्धगा, वजन घटेगा, यो होगा वो होगा। तो भाई इस मारे मैं एक बार था दिखा दूँ लाइव आके, फोन ना पे बात कर रहे हैं भाई हम बजरंग की टीम तय हैं, कोई न्यू है भाई पागल बना रहा है लोगों का। तो तुम भी ध्यान रखो यार इसी चीज़ को, ना आंती जिन तय ये वजन बुद्ध है वजन घट है, मेहनत करना पड़ेगा भाई। अनऑफिशियल बजरंग पुनिया मयंक दहिया, ये वही पेज है जिसके चलते बजरंग को लाइव आना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा कि ये गलत झूठा है, फरेबी है, इसके झांसे में ना आइए,
वजन दवाइयों से न बढ़ता है और न ही घटता है, सब मेहनत का खेल है। अब आपको दिखाते हैं वो नंबर जिस पर कॉल करके ये दवाइयां बेच रहे हैं, अपने आप को बजरंग की टीम में शामिल बता रहे हैं। ये नंबर है भाई, उसने जो गिर रखे हैं, ऑल सप्लीमेंट, ये नंबर गिर रखे हैं भाई उन्हें। और बजरंग पुनिया के नाम तय इंस्टाग्राम पर आईडी है, बजरंग पुनिया के नाम तय फेसबुक पर आईडी है, पेज भी बना रहा है। तो भाई इतने बेकूफ तैयार थम बेको ना, सब सोशल मीडिया यूज करो हो। 8397999348 इस नंबर की तहकीकात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए एक बात जो बजरंग ने कहा, एक नहीं दो नहीं न जाने कितनी आइडिया उनके नाम पर चल रही है। ये मेरी आईडी बना रखी है, लो देख लो, इनमें मेरी कोई भी आईडी नहीं है भाई, इस मारे मत हर तो बताऊं कि धोखे में ना रहो। ये मेरी आईडी बना रखी बजरंग पुनिया के नाम पे, और ये भाई मैसेज कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं तो इन्हें ब्लॉक मार दे हैं। तो ये चीज भाई थोड़ा मन बढ़िया ना लगे, इस मारे मगा कोई नाम खराब करने ला रहा है, नाम का फायदा उठाने ला रहा है, खाम खा मिसयूज। बजरंग ने सचेत कर दिया है, बता दिया है कि न सिर्फ उनके नाम की फेक आईडी बनाना बल्कि किसी के भी नाम का गलत इस्तेमाल करना सरासर गलत है। यार मेरे नाम की नहीं, किसी के नाम की भी आप अगर कोई फेक आईडी बनाओ तो वो गलत है भाई, कि नाम का मिसयूज करना है कोई भी आदमी तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। नाम बड़ी मुश्किल तो बनाया जा भाई, बदनाम तो कदे कर लो, लोग ने बेकूफ बना गए, लोग उन गाल थोड़ी दे, लोग तो हमने गाल देते होंगे। अब भाई वे बेचने लग रहे हैं, वे घटिया काम करने लग रहे हैं, लोग बेकूफ बना रहे, वजन बढ़ाने का दे हैं, घटाने का दे हैं। नाम का गलत इस्तेमाल न सिर्फ गलत है बल्कि कानूनन अपराध भी माना जाता है, और बजरंग इसी बात को समझा रहे हैं, लोगों को झांसे में आने से बचा रहे हैं, क्योंकि वो उस देश के पहलवान हैं जो अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से दुनिया में तिरंगा लहराते हैं और पूरे देश को गर्व महसूस करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर उनके करियर पर तोहमत लगाने की कवायद करते रहते हैं, ये गलत है, सरासर गलत। स्पोर्ट्स डेस्क, जनता टीवी। तो देखा आपने कि बजरंग आखिर क्यों परेशान है और कौन है वो शख्स जो बजरंग को परेशान कर रहा है। नंबर बजरंग ने बताया तो हमने भी इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमने भी सोचा कि आखिर इस नंबर की पड़ताल की जाए कि आखिर किसका ये नंबर है जिसको लेकर के बजरंग पुनिया लगातार परेशान हो रहे हैं, और वो लगातार कह रहे हैं कि एक नहीं दो नहीं कई आईडी ऐसे हैं जो बजरंग पुनिया के नाम पर फेक आईडी तैयार की गई हैं। बजरंग ये बता रहे हैं कि उनका जो भी ऑफिशियल पेज है, चाहे वो फेसबुक पर हो या फिर ट्विटर पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर हो, सब पे ब्लू टिक है, ताकि आप इस बात को समझ सके कि वही ब्लू टिक वाला ही बजरंग का अपना खुद का ऑफिशियल पेज है। इस चीज को आपको भी समझना होगा। लेकिन एक बार फिर से वापस लिए चलते हैं आपको कि आखिर वो नंबर किसका है जो नंबर अपनी पहली रिपोर्ट में हमने दिखाई। देखिए इस रिपोर्ट को और जानिए कि किसका नंबर है। एट थ्री नाइन सेवन नाइन 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 थ्री फोर एट, यही वो नंबर है जिससे परेशान है देश का एक पहलवान, ऐसा पहलवान जिसने अपनी पहलवानी से न सिर्फ देश को गर्व महसूस कराया बल्कि दुनिया में भारत का परचम भी लहराया। ये नंबर है भाई, उसने जो गिर रखे हैं, ऑल सप्लीमेंट, ये नंबर गिर रखे हैं भाई उन्हें। और बजरंग पुनिया के नाम तय इंस्टाग्राम पर आईडी है, बजरंग पुनिया के नाम तय फेसबुक पर आईडी है, पेज भी बना रहा है। तो भाई इतने बेकूफ तैयार थम बेको ना, सब सोशल मीडिया यूज करो हो। देश के पहलवान को परेशान होता देख जनता टीवी ने इस नंबर की पड़ताल की तो यह नंबर हरियाणा का ही निकला और ट्रूकॉलर पर लिखा मिला हरियाणा बॉडी बिल्डर्स। बजरंग भी अपनी बातों में यही जिक्र कर रहे थे कि उनके नाम से बॉडी बनाने के प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है और उनके नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।
फेसबुक इंस्टाग्राम पर फर्जी पोस्ट भी की जा रही है और लोगों को बहकाया जा रहा है। मैं इस मारे भाई एक बार मगा, एक बार भैया दलाई हुआ करो बता दो हूँ, क्योंकि कोई कई आईडी बना रखी भाई मेरे नाम ते, और मैंने दो तीन बार फेसबुक को पहला भी गेरी थी कि भाई ये फेक आईडी है सारी, तो लोग समझ नहीं रहे इस बात ना भाई, लेकिन मगा एक बार एक लाइव आकर बता दो हूँ, फिर कोई देखेगा फिर कोई धोखा खागा फिर वो मेरे तना कहेगा भाई इतना बताई नहीं थी। और भाई जो बना रहा उस भी मैंने कई बार कह लिया, अब भाई बंद कर दे इसने, क्यों लोग धोखा दे रहा है। फिर भी जाग लोग हम बजरंग की टीम तय हैं, तो भाई मेरा कोई भी सा सप्लीमेंट का काम नहीं, मैं अपनी पहलवानी करूँ हूँ, मेरा कोई काम नहीं है सप्लीमेंट का, कोई भी काम नहीं है मेरा, मैं अपनी पहलवानी करूँ हूँ, कोई सा काम नहीं है भाई। अगर कोई काम होगा तो मैं पर सोशल मीडिया पर तो घेरता भाई, इतनी तो लोगों ने समझ होनी चाहिए यार, सब सोशल मीडिया पर है एक्टिव रहे हैं, तो लोगों ने इन चीज़ों का तो पता होना चाहिए भाई। कहते हैं एक अखाड़े को तैयार करते समय उस मिट्टी में सरसों का तेल, हल्दी, मेहंदी और कई चीजों को डालकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। ये एक पहलवान के लिए मंदिर के बराबर होता है, और इसी मंदिर और उसी मिट्टी से निकले एक पहलवान बजरंग पुनिया के नाम का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए हो रहा है, जिससे न सिर्फ बजरंग परेशान है बल्कि उनके फैंस भी काफी नाराज है। स्पोर्ट्स डेस्क जनता टीवी। जी हाँ, तो बजरंग के इस कहानी से आप रूबरू हो गए कि आखिर क्यों परेशान है बजरंग पुनिया, और जो बजरंग अपने फेसबुक लाइव के जरिए बताना चाह रहे हैं, हम भी अपने इस कार्यक्रम के जरिए आप तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि बजरंग के अनऑफिशियल यानी कि फेक आईडी पर यकीन ना करें, ब्लू टिक वाली आईडी पर ही आप यकीन कीजिए।